चलिए आपको सीधा ले चलते हैं यूपी लाइव, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये आपको एक झलक दिखाते हैं यूपी में आयोजित काव्य संगोष्ठी। हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते हुए योद्धा का जय संकल्प है। वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। वो कहते थे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। इसी भाव भूमि पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को। कृपया अटल जी के साथ अपनी स्मृतियों को, उनकी स्मृतियों से हमारे हृदय को अभिसिंचित करें माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी। हम सबके मंच पर विराजमान राज्य के यशस्वी तेजस्वी परिश्रम की पराकाष्ठा, रात दिन न रुकना न थकना न ठहरना, केवल गांव गरीब शोषित वंचित दलित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी नाथ जी का एक बार तालियों के मंच पर विराजमान अपने जो मैं भी कोरोना के समय विश्वास भाई का पूरा कविता सुनता था, और वास्तव में जिस प्रकार ये उसी समय कोरोना के समय में मैं फोन भी लगाया, हमके वास्तव में आपके कारण देश का नौजवान राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है, देश के लिए समर्पित हो जाता है, और आदरणीय मोदी और राष्ट्र के लिए पूरा खड़ा रहता है। ऐसे हमारे लोकप्रिय कवि आदरणीय पुष्प कुमार विश्वास जी, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, जिनके कारण आने का सौभाग्य मिला हम सबको। वास्तव में अटल जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर जो विराट कवि सम्मेलन में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे ब्रजेश पाठक जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और यहां सभी राज्य के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयाशंकर जी, संतोष सिंह जी, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, हमारे आदरणीय सुरेश तिवारी जी, नीरज बोरा जी, मोहसिन रजा जी, सुरेश श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित सभी कार्यकर्ता सभी लोग यहां एकत्र, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इतिहास है गौरवशाली, और उस पार्टी से किस प्रकार के देव दुर्लभ लोग निकलते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना बलिदान कश्मीर में दिया, अटल जी की दो घटना, एक बार वो प्रवास पंजाब पर गए थे, वापस लौट कर आए, वापस आने के बाद शाम को उनको आसाम जाना था, लेकिन वह दुखी मन से मना कर दिया पंडित जी को कि मैं अब प्रवास में नहीं जाऊंगा, और वह वही कार्यालय में ठहर गए, बोले थका हूं मैं जा नहीं पाऊंगा प्रवास पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समझ गए कारण क्या है, उन्होंने स्टोव जलाया, कार्यालय छोटे रहते थे तखत रहता था, स्टोव जलाए और दो रोटी सेका और भोजन कराया। हमारे बीच में डिप्टी सीएम उप सीएम अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, एक बार दो रोटी सेका मित्रों, फिर वो दो रोटी अटल जी ने प्राप्त किया भोजन के रूम में। उन्होंने कहा पंडित जी चिंता मत करिए, मैं शाम के प्रवास पर आसाम चला जाऊं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के मुखर्जी के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ फिर नई पार्टी उन्होंने बनाई, दो सीटें थी। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को कितना आत्मविश्वास था, दम कितना था, कार्यकर्ताओं पर भरोसा कितना था, देश के जनता पर भरोसा, इसने प्यार कितना था, उन्होंने दो सीटें थी। उस समय उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा
और कमल खिलेगा और उन्हें देश में कमल खिलाया प्रधानमंत्री बने मित्रों। उनका एक लोकसभा को मैं देखता हूं, जब लोकसभा में सोनिया जी ने अटल जी के बारे में बोली निकम्मा भ्रष्ट, इंग्लिश में भाषण दिया था, तब अटल जी ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में नेता को शब्दों का हिंदी में क्या चयन करना चाहिए अपने शब्दों को देखना चाहिए, और जो उनका सपना उनका विचार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक दांत कोई नहीं लगा सकता देश के अंदर एक शरीर पर, ये गौरवशाली इतिहास नेताओं का मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अपने परिवार के सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, यह है पार्टी। कुछ भी बोलते रहिए, खिलाफ कुछ भी करते रहिए, लेकिन ये नेताओं का चरित्र है, ईमानदारी है और गरीब के लिए समर्पित है। और इन्हें मित्रों राज्य के अंदर चार उदाहरण मैं देता हूं बस, कोरोना जैसे महामारी को किस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री ने झेला और राज्य को बचाया। गुंडे माफिया जो AK-47 रोड पर लेकर चलते थे, जब आदरणीय योगी जी का बुलडोजर चलने लगा इस देश के अंदर, तो इस देश के राज्य के अंदर क्या स्थिति आई। तीसरा मैं बात करता हूं, अरे देव दीपावली आपने देखा होगा, देव दीपावली के दिन एक भी नाविक, एक भी वाराणसी में रेस्टोरेंट, एक भी कुहार जो 30 लाख दीपक बनाया, और एक भी दलित, एक भी नाविक जो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपया उस रात में कमाया हो, और एक भी होटल, एक भी रेस्टोरेंट वाराणसी में खाली नहीं मित्रों। इनके चिंतन कार्यक्रम के भी पीछे रोजगार रहता है, गरीब का भला रहता है, दलित का भला रहता है, शोषित का भला रहता है। यही नहीं मित्रों, कांवड़ यात्रा आप देखे होंगे, डीजे बंद होता था इस धरती पर, चलता नहीं था, वही कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में चला और सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई करवाया तो योगी सरकार ने करवाया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, इस पार्टी से निकले हुए एक एक कार्यकर्ता, इस पार्टी से निकले हुए एक एक कार्यकर्ता देर दुर्लभ है, तो गरीब के लिए मरते हैं और गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के खुशहाली के लिए मरते हैं, किसान के लिए मरते हैं और किसान के लिए जीते हैं मित्रों। यही हम सबका सपना है और यही हम सबका ध्येय है। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति बिजनेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देश के गौरव अटल बिहारी, राजनीति एक विचार के लिए, एक मिशन के लिए करते हैं और इसीलिए हम लोग राजनीति में मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ब्रिजेश जी को मैं पुनः हृदय से स्वागत करना भव्य कार्यक्रम के लिए और आप सबको हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्वतंत्र देव सिंह जी अभी अटल जी के साथ अपनी स्मृतियों को साझा कर रहे थे। मित्रों हमारे बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आ गए हैं। मैं फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पाठक से अनुरोध करूंगा, कृपया डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्वागत करें, पुष्प देकर और इसके अतिरिक्त अटल जी की पुस्तकें और स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्वागत करने को आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पाठक। डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे बीच आ गए हैं, हम सबको हम उनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत कर रहे हैं श्री ब्रजेश पाठक। अटल जी की पुस्तकें और साथ में ये सुंदर सा स्मृति चिन्ह। लखनऊ से विशेष लगाव रखने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के ऐसे एकमात्र राजनेता रहे जिन्होंने 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की 10 बार नुमाइंदगी की, यानी वो 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और नई दिल्ली संसदीय सीट से उन्होंने अपने चुनाव जीते। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो कहते थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से छात्र राजनीति का आरंभ करने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बाद में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे। मुझे स्मरण है श्रद्धेय अटल जी के मार्गदर्शन में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारत सरकार की युवा नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैं उन्हें उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी सौंधी स्मृतियों को हमसे ताजा करें, हमसे साझा करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा। हम सबके प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, तू भाई विज्ञापन का आदमी, यशस्वी आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर विराजित हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको हम सब लोग सुनने के लिए आए हैं, और मेरे बहुत पुराने मित्र, एक यशस्वी वक्ता के रूप में जिनको हम देखते हैं, ऐसे आदरणीय कुमार विश्वास जी और सभी उपस्थित महानुभाव। ये सौभाग्य है लखनऊ का कि लखनऊ में माननीय अटल जी कई बार यहाँ से सांसद चुने गए, और जब जब सांसद चुने जाते थे तो अगली बार उनका घनिष्ठता लखनऊ से और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और चूंकि सारे वक्ता जो और वक्तागण यहाँ बोल चुके हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों को सुनना है, कुमार विश्वास जी को सुनना है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इस बात को रखता हूँ कि अटल जी और लखनऊ एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। कभी कभी तो अटल जी छोटी छोटी घटनाओं को अपने अंतर मन में रख लेते थे और उसको कहीं न कहीं प्रकट कर देते थे। लखनऊ में अटल जी का जब आना होता था तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस तो बाद में हुआ, पहले वो मीराबाई गेस्ट हाउस में ज़्यादा रुकते थे, और जब वो रुकते थे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी, और कुछ लोग आके उनके साथ में जो कार्यकर्ता होते थे, माननीय भगवती प्रकाश प्रसाद शुक्ला जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, भगवती प्रसाद अवस्थी जी उस समय पूर्व अध्यक्ष थे, और ये सुरेश श्रीवास्तव जी भी उस समय के साथ में भी अध्यक्ष बाद में बने, तो ये सब तीन चार वरिष्ठ लोग होते थे, राघव राम मिश्रा जी वगैरह, तो मिलके अटल जी से जितने लोग आते थे उनको मिलाने का काम भी, और एक एक कार्यकर्ता से उनका सानिध्य कराने का काम करते थे। तो मुझे याद है कि जब भी अटल जी लखनऊ आते थे।